अजीत टीवी देख रहे दर्शकों नू मेरे वालों सत श्री अकाल। अज असी सोनू जिहड़े कि चोणा हो जा रही नगर निगम और नगर कौंसल दियां इस बारे जानकारी देवांगे, जदों कि अज नामजदगियों का लास्ट दिन हैगा अते लोकां वल्लों जिहड़े उम्मीदवार है उन्हां वल्लों फार्म भरे जा रहे हैगे अते अपने प्रचार लई भी जोरां शोरां ते मुहिमां शुरू कर दित्तियां हन। सोनू दस दिए कि जिस तरह जिहड़ी कि पोस्टरां दी जंग शुरू हो चुकी है कि पोस्टर लगे जाएंगे सारियां पार्टियां दे जिहड़े कि पोस्टर लाए जा रहे हैगे, कांग्रेस की अकाली दल आम आदमी पार्टी आजाद उम्मीदवारां वल्लों सारियां वल्लों अपने अपने पोस्टर लाए जा रहे हैं अते इस तरह शब्दी जंग भी शुरू हो गई हैगी। थोनू दस दिए कि पिछले दिन ही बीजेपी दे जिहड़े पोस्टर सी उन्हां ते काल खिला दित्ती गई सी अते कुछ पाड़ दित्ते गए सन ते उस दे दोष विच जिहड़े बीजेपी दे वर्करां ने आगूआं ने कहा कि कांग्रेस बखलाई हुई है अते इन्हां वल्लों साडे जिहड़े पोस्टर है वह पाड़े जा रहे हैगे। आपां गल करदे आं पहला श्रोमणी अकाली दल दे सरदार तेजा सिंह जिहड़े कि इत्थों 14 नंबर वार्ड तो अपनी उम्मीदवारी दे फार्म भर चुके है अते चोण प्रचार शुरू कर चुके है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, की कहना चाहोगे जिहड़ा तां पहला तुहानूं भी अकाली दल ने टिकट दित्ती है? श्रोमणी अकाली दल ने मैनूं इह सतिकार दित्ता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा सरदार सुखबीर सिंह जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, बीबा हरसिमरत कौर दा, समुची श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप दा धन्यवाद करदा जिन्हां ने मैनूं इह सेवा बख्शी है और मैं जिन्ना जो भी सेवा दित्ती उन्हां ने वध तों वध उस दे विच योगदान पाऊंगा। तुसीं कि कि मुद्दे लैके चलो जिवें महल्ले दे अगे किस तरह दे काम करोगे? मैं जदों मेरी जित हो जाती है तो उस तों बाद मैं साढ़े कई काम अधूरे पए ने, जिस तरह साढ़े इत्थे चोरियां बहुत हो रही हैं, मैं उत्थे चाहुंदा भी कैमरे लवा के ते उस नूं कवर किया जाए। साढ़े धर्मशाला जिहड़ी है गरीबां वास्ते, उस मेरी इच्छा है कि उस नूं मैं जितने तो बाद एसी बना के लोगों को लोक सेवा देगा। साढ़े कोई प्रायमरी स्कूल नहीं, प्रायमरी स्कूल खिलाया जाऊगा, ये डिस्पेंसरी लैके आवेंगे ता कि साढ़े इतने कोई जो बीमार हो जाता बंदा वेले कोले उन्होंने दवाई की सहूलत मिल सके। कल जिवें जलालाबाद सुखबीर बादल जी दे गड्डी ते देखदे कौन है ये बंदे, की कारण है, क्यों मार रहे? श्रोमणी अकाली दल का हमेशा ये निश्चय रहा है कि उन्होंने 10 साल के राज में कदे भी कोई यहोजी घटना नहीं हुई, कोई भी खड़ा हुंदा बंदा कोई कागज़ भरदा किसी नूं रोकिया नहीं जाता। लेकिन आ पहली बार होया भी जदों कांग्रेस का राज जदों भी आया है उन्होंने हर समय यह कोशिश की है कि कागज़ भरन वाले रोक जाओ, क्योंकि कांग्रेस की हार हो रही है, वो अपनी हार नूं देख के वह चाहते भी कागज़ ना भरे जाण ते लोक जिहड़े दूसरे चोण लड़न वाले उम्मीदवार है वह रह जाण, साढ़े कल्ले उम्मीदवार रह जाण जितने वास्ते। लेकिन लोग जिहड़े चाहते आ अज बदलाव चाहते हैं भी ये कांग्रेस हार दी करके इहो जिहा अतकंडा वरत रहे। कल जिहड़े आप कुछ दिन पहला कुछ पोस्टर पाड़े गए सन बीजेपी दे जां काल खिलाई दे सी, उन्होंने भी कांग्रेस से दोष लाया कि यह बखलाट विच आई है, ये हार दी हैगी ते कहिंदे साडा मेयर मरूगा इस करके बखलाट विच आके साडे पोस्टर पड़वा रही हैगी, इस तरह तो नहीं किते? आम आदमी पार्टी है चाहे श्रोमणी अकाली दल है भावें भारतीय जनता पार्टी है, सारे ही इस गल नूं कदे भी कोई किसी का पोस्टर पाड़ के कोई जिद्दां नहीं हुंदा। लेकिन जो उन्होंने गल कही सही कही है, श्रोमणी अकाली दल ने कदे किसी नूं इस तरह की इजाजत नहीं दी और मैं अपने एरिए समुचे वर्करां नूं कहा कि किसी का पोस्टर दे उत्ते भी पोस्टर नहीं लाउणा, पाड़ना नहीं और हर पोस्टर का सत्कार रखना है, क्योंकि हर एक बंदा कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उहदा फर्ज है तो उहदा हक भी बनता है। इस करके ये जे वह कह रहे हैं तो वो सही गल है जी कि पोस्टर पाड़न वाले यही बंदे होर नहीं कोई पाड़ता। ये सन सरदार तेजा सिंह जिन्हों का कहना कि जेडे पोस्टर पड़वा रहे हैं यही है जेडे कि हारते होंगे वो हमेशा ही ये अतकंडे अपनाते हैं, पर साडा मुख टीचा यह है भी किसी नू भी कोई किसी के पोस्टर नहीं पाड़ने, किसी का नुकसान नहीं करना गा, पर असी जितना है तो आपदे कम करके जितना है, असी पहल के आधार पर आपदे महल्ले के कम करावे अते कम दे सिर ते जित जाए तो साडे श्रोमणी अकाली दल वालों पहलों तो ही ये जिहड़े लोक भलाई दे कम है ये सिरे ते चढ़ाए जा रहे हैं अते इस नूं इसे तरह ही जारी रखांगे। देखो लोकां दे विच नगर पंचायत चोणां लड़न दा, कारपोरेशनां चोणां लड़न दा बहुत ज़्यादा उत्साह हैगा, वर्करां दे विच बहुत ज़्यादा उत्साह दे विच ने,
कांग्रसी बल्कि मजूस ने। कांग्रेस से तुम हैरान होवोगे इन्नी गल ते बहुते थाई तां कांग्रसियां ने कागज जिवें साडे हरके जी लै लो मेरे पिंड दे कांग्रसियां ने कागज इस करके भरे जाके उन्हूं पुछ के भी जे तां विरोधियां दे कागज रद्द करा दोगे तां असीं चोण लड़ांगे नहीं, असीं चोण ही लड़दे क्योंकि असीं जितना ही नहीं हैगा चोण। सो इस करके बहुत घबराई हुई है कांग्रेस, चार साल काम कोई होया नहीं, कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई, कोई मुलाजम दुखी ने, उन्होंने तनखा नहीं मिली, ना पे कमीशन लागू होया, ना डीए मिलिया, हर वर्ग जानी अच दुखी है सरकार की कारगुजारी तो। सो जे तो हुई इलेक्शन फेयर फिर तो थां थां ते अपोजिशन जितेगी, कांग्रेस कितने भी नहीं जितेगी। एवें चलो एक दो जो हम दस लड़ते हैं दो तो जित ही सकते हैं, पर ज्यादा जड़िया कमेटियां वो अकाली दल दियां जां उन्हां दे सहयोगियों दियां बनणगियां, कांग्रेस दियां नहीं बनणगियां। पर जे कि इन्होंने जिम्मे पिछे ब्लाक समितियां किया जां सरपंचियां किया गुंडागर्दी धक्केशाही करने की कोशिश करनगे वो फिर तो कुछ भी हो सकता है। पर मैनू लगता भी जो हालात पैदा हो गए ने इलैक्शन के सत्त अठ महीने रह गए ने, कोई अफसर मैनू नहीं लगता कि इस स्थिति आके इन्ना रिस्क लेगा, धक्केशाही कराने की कोशिश करेगा, अपने उत्ते जिम्मेवारी लेगा, फिर अफसर देनिया भी पैंदियां ने, समा नेड़े आ गया फिर देनिया पैणगियां जे कोई गलती करेगा। पर इस हालात जिथे कितें भी मैं गल की है वो अफसर का यही अंगारा आया कि असी कोई गलत काम नहीं करांगे, सानू नहीं लोड़ कोई जिते कोई हारे, पर हाँ हो सकता कोई दबाव दे विच आके कोई ना कोई कई बहुत ज्यादा कोई करप्ट अफसर भी होंदे ने कर भी सकते हैं। पर मैं सारे अपील ही करूंगा कि डेमोक्रेसी है, जिन्हों डेमोक्रेसी ना बनाओ, डेमोक्रेसी रहन दो, या फिर नामजदी कर लिया करो आप दिया, फिर चोणा लड़न का खेड़ा छड्डो। मैं अपने जिहड़े फार्म भर दिते आ लेट, मेरा वार्ड थोड़ा दूर सीगा ते वार्ड है भी मेरा 50 नंबर, इस करके थोड़ा मैं अज हुण भर दिते फार्म। कहना तो मैं यही चाहूँगा जी जिहड़ा लोगों का प्यार है मैनू बहुत ज़्यादा मिल गया, प्यार मैनू 50 नंबर वार्ड के लोग बहुत कर रहे हैं, इस करके कर रहे भी मैनू उन्होंने लोगों मेरे तो उम्मीद है भी मलकीत सिंह काम कर जानता है। मैं काम पहला बहुत किए हैं, मैं संघर्ष करिया सरकार अकाली दल की जो मैं चोन जीता पिछली बार वो वार्ड मेरा होर सीगा, इस बार चलो लेडी वार्ड हो गया फिर मैंने इधर मौका मिल गया। लोगों को काम चाहिए, लोगों को गल्लां नहीं चाहिए, लोग काम वेखते कौन कर सकता है, हुण लोग पढ़े लिखे है, लोग सारी गल समझते हैं। बठिंडा तो अजीत टीवी लई नैब सिंह सिद्धू की रिपोर्ट।